तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ईडी की रेड पर मूलचंद शर्मा की ओर से बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ईडी अपना काम कर रही है, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये बात मूलचंद शर्मा के द्वारा कही गई है। रामदान सिंह के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो नियम के अनुसार है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा चुनावों को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो 90 सीटों पर अकेले अपने दम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, इस बात को मूलचंद शर्मा ने कहा है। और ईडी की कार्रवाई को लेकर के भी उन्होंने कहा कि इसका विधानसभा चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो नियम के अनुसार कर रही है। जो भी इसमें लगातार जो लोग इसमें हैं, तैनात हैं और जिनके भरोसे और विश्वास पे हमने आरटीओ महकमा दिया, अगर वो अपने मिशन में फेल हो जाते हैं तो सबको लाभ नहीं होगा। जो भी एमबीओ अधिकारी है, यहाँ पे एमबीओ है जिसकी अध्यक्षता में भाई आरटीओ पे 3 जिले हैं, नारनौल भी है, भियाणी भी है, दादरी भी है। एमबीओ अपने जिले का मालिक होता है, एमबीओ को क्या है कि कार्रवाई करनी चाहिए और जिले के आरटीओ महकमे की टीम करनी चाहिए, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है कि जान माल की सुरक्षा करना सरकार का काम है और लोगों के प्रति ध्यान रखना सरकार की जवाबदेही। रामदास जी हमारे साथी हैं, विधायक हैं, इस सरकार की कोई मिशन नहीं। ईडी अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है, इसमें विधायक एमपी का कोई लेना देना नहीं है और न इसमें कैसे प्रयास कोई करता और ना करने का कोई प्रयास करता।